जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज पादरी अंकुर नरूला ने हमारे वैष्णो माता जी के बारे में बहुत गलत बोला है। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। पूरा हिंदू समाज इसके प्रति भड़का हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं उनके धर्म के ठेकेदारों से कि अपने धर्म को ऊंचा कहने के लिए किसी दूसरे के धर्म को नीचा कहना कहां तक गलत है। क्या वे इसकी निंदा करेंगे? क्या उनको इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? जिसे हम मां मानते हैं, जिसको दिलो दिमाग से हम पूजते हैं, उसके बारे में ये गलत बोल रहे हैं। क्या ईसाई धर्म को इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? सबकी मां ऊंची है। हम तो बार बार कहते हैं सबकी मां ऊंची है, लेकिन अपनी मां को ऊंचा कहने के लिए किसी की मां को नीचा कहना कहां तक जायज है? और इस पर एक क्विक एक्शन होना चाहिए। जहां प्रशासन ने FIR दर्ज की है, वहां मैं मांग करता हूं कि प्रशासन के साथ साथ सामाजिक तौर पर और इनके धर्म की तरफ से पूर्ण रूप से निंदा होनी चाहिए। इस व्यक्ति पर हर शहर में FIR होनी चाहिए। हमारा संगठन भी इसके लिए पुलिस प्रशासन को एक शिकायत पत्र देगा और हाई कोर्ट में भी इसकी खिंचाई की जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल जेल के पीछे रहना चाहिए। मां वैष्णो के बारे में बोलने की इसकी हिम्मत हुई कैसे? यह अपने आप को समझता क्या है? क्या पादरी समाज इसके लिए इसके खिलाफ बोलेगा? यदि हिंदू आपके खिलाफ उठकर खड़े हो जाएं, सड़कों पर आ जाएं, तब आप क्या करोगे? आप लोग तो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा करवा के अपने में मिलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो। बहुत अफवाहें भी हैं, भी आप पैसा देते हो, सब कुछ करते हो, और दूसरी तरफ हमारे धर्म पर आपने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि इसके लिए यदि आप नहीं इसकी निंदा करते हैं, इस पर रोकथाम नहीं लगाते हैं, तो एक बड़ा हंगामा होगा, क्योंकि हिंदू समाज चुप करके नहीं बैठेगा। हम किसी के धर्म को छोटा नहीं कहते हैं, परंतु यदि हमारे धर्म पर उंगली उठाई जाएगी, हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, तो हम चुप करके बैठने वालों में नहीं है। एक जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा। सड़कों पर उतरेंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, पुतले फूकेंगे, फिर ये पादरी समाज मुंह की खाकर चुप करके बैठेगा। इसलिए अभी इसकी निंदा करो, और मैं सभी हिंदू संगठनों से कहूंगा कि इसकी शिकायत आप सभी अपने अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में दीजिए। चाहे FIR हो गई है, और FIR होनी चाहिए। इसने हमारी मां को गाली दी है, इसको पता लगना चाहिए कि हिंदू समाज कभी ऐसी गालियां नहीं सुनता है, ऐसी बदतमीजी नहीं सुनता है। हिंदू जाग चुका है। अरे जागो हिंदुओं, जागो। अब भी ना जागे तो सनातन डूब जाएगा, हिंदू डूब जाएगा। सनातन धर्म को जागना होगा, आगे आना होगा। आज हमारी मां के लिए गाली निकाली गई है, बिल्कुल चुप बैठने का समय नहीं है। तो आपको उठना है, जागना है, और ये जागना जरूरी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।